नमस्कार, मैं हूं ब्रह्म रत्न दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं बागदाद। आपने कत्ल करने के कई तरीके देखे होंगे, आपने उन कातिलों को देखा होगा जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं और बड़े आराम से कत्ल कर देते हैं। लेकिन हम आपको मध्य प्रदेश के सागर से ऐसा कत्ल और ऐसा कातिल बताएंगे कि आप देख कर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, 6 दिन पहले सागर में एक बाप बेटी की गोली लगने से मौत होती है, उनकी लाशें एक कार में मिलती है, पत्नी महफूज रहती है, लेकिन फिर पुलिस पड़ताल करती है, इसमें एक सुसाइड नोट भी बरामद होता है, लेकिन तमाम शक की सुई अब उसी मृतक पर जा रही है जिस की लाश कार में मिली थी, उसकी बेटी की लाश कार में मिली थी। अब यह खबर है कि इसी शख्स ने अपने हत्या एक व्यक्ति को छुपा ली और फिर खत्म हो गया बाप बेटी के जीवन में। देखिए खासकर सागर एक्सप्रेस को। एक कत्ल या साजिश भरी सुसाइड जिसमें 6 दिन तक मध्य प्रदेश के सागर जिले की पुलिस परेशान रही। आज ब्रजेश चौरसिया और उसकी बेटी महिमा चौरसिया को गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने और एक व्यक्ति पर कत्ल करने के आरोप लगाते हुए इस साजिश के मास्टरमाइंड को हिरासत में लिया है। इस साजिश के मास्टरमाइंड को पश्चिम बंगाल से हिरासत में लिया है। इस साजिश भरी वारदात में खुद मृतक ब्रजेश शामिल था, जिसने एक प्रोफेशनल किलर जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का रहने वाला रंजन राय था, इसी आरोपी को ब्रजेश ने खुद को मारने की सुपारी दी। यह आरोपी घटना के 3 दिन पहले से सागर में ब्रजेश के ऑफिस में रुका था। वारदात के दिन मृतक तयशुदा कार्यक्रम के तहत अपनी पत्नी राधा और महिमा को कार से बाहर ले जाता है, फिर पत्नी और महिमा की कोल्ड ड्रिंक्स में नीम की गोली मिला देता है। इसके बाद गोली चलती है जिसमें कार में ब्रजेश उसकी बेटी की लाश मिलती है और पत्नी राधा महफूज होती है। दूसरे दिन महिमा का मामा एक चिट्ठी एसपी अमित सांगी को सौंपता है जो ब्रजेश ने लिखी थी। इसमें 5 सागर के नामचीन व्यापारी, बिल्डर और ठेकेदार के साथ एक ग्वालियर के व्यापारी का जिक्र होता है। यह लोग तहसील के मनोज यादव, बड़ा बाजार का श्याम सुंदर सोनी, ग्वालियर का गौरव भरद्वाज, सागर का सुरेन साहू, मशहूर सूदखोर सोहन केशरवानी, राजेश मिश्रा, गोपालगंज का अनिल शुक्ला, यह सभी लोग ब्रजेश को पैसों के लिए जान से माल देने के साथ उसके साथ धंधे में धोखा देते हैं। इन तमाम बातों का उस खत में जिक्र था। पुलिस ने इस प्रोफेशनल किलर रंजन राय को पश्चिम बंगाल से पकड़ा है। कोल्ड ड्रिंक्स में नींद की गोलियां थी, इस बात की भी पुष्टि हुई है। रिवाल्वर जो गायब थी यह भी आरोपी से बरामद हुई है। कुल मिलाकर ब्रजेश ने ही इन सूदखोरों के दबाव और धमकी में आकर यह साजिश भरा कदम उठाया है, जिसमें खुद ने ही खुद के कत्ल करवाने के लिए कातिल को सुपारी सौंपी। यह प्रदेश की बेहद चौंकाने वाली वारदात है जिसमें 6 लोग अभी फरार हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल किलर जिसने सुसाइड और साजिश भरे कत्ल में ब्रजेश और उसकी बेटी महिमा को मौत के घाट उतारने में ब्रजेश की मदद की, यह हत्याकांड इस शहर का इस दशक की सबसे बड़ी और सनसनीखेज साजिश है जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।